शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम करिमा है। तो मैं आपको छठवीं कक्षा का बारिश के लेसन में दिया गया टेक्स्ट बुक में पार्ट का ग्रामर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। आप सब लोग ध्यान से, मन से, अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है बच्चों? ठीक है ना, हम शुरू करेंगे। तो आइए, बारिश, बारिश का मतलब राइम कहते हैं, पार्ट में दिया गया नाम है। तो उस गीत में आपको मैं शब्द अर्थ बोला है, मीनिंग्स दिया है, और क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बोर्ड पर लिख के एक्सप्लेन किया है। तो उसके क्वेश्चन आंसर के नीचे किताब में क्वेश्चन आंसर्स के बाद में ये लिखना है, ठीक है? राइट, मस्ट एंड शुड बी राइट इन दिस पोएम, इन दिस, मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू गिवन मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, ऑलरेडी आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट इन दिस वन राइट नाउ ग्रामर। देखो, गीत में आ के मात्र वाले शब्द पर गोल लगाइए। गोल का मतलब क्या है? सर्किल, ठीक है? जीरो सर्किल में लगाइए। और गीत में आए माँ, माँ का अक्षर पर बॉक्स, इसको बॉक्स कहते हैं, स्क्वेयर। बॉक्स को क्या कहते हैं? स्क्वेयर कहते हैं। स्क्वेयर लगाइए मतलब बॉक्स लगाना है। तो इस पार्ट में दिया गया गीत को, ये सॉन्ग को, पोयम को, इसमें एक एक अक्षर आ की मात्रा आने के बिना, ये आ की मात्रा तो नहीं है, यहाँ है, देखो आ की मात्रा है यहाँ, वर्षा। वर्षा का मतलब क्या है? आ की मात्रा है। तो इसे हमें क्या लगाना है? आ की मात्रा को क्या लगाना है? गोल लगाना है, जीरो सर्किल। तो इसे हम सर्किल लगाना है, ठीक है? गीत है, देखो मैं आपको गीत गाकर सुनाऊंगी। बरसा पानी रिमझिम रिमझिम, खेलो आओ मिलकर हम, मेघ गरजता घड़ घड़ घड़, मोर नाचता चम चम चम, मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिलता ता तैया, ठीक है? तो इसमें गीत दिया गया है पार्ट में गीत, इसको आ की मात्रा को सर्किल लगाना है, जीरो जीरो लगाना है, गोल लगाना है, गोल, ठीक है? गोल। और पा, पा के पास क्या है? आ की मात्रा है ना, तो इसे भी हम सर्किल लगाना है, ठीक है? गोल लगाना है। तो और देखो, गीत में आए मा अक्षर को, मा का अक्षर को भी क्या लगाना है? स्पेयर लगाइए, ये तो बॉक्स लगाना है। तो इसे मा है ना, यहाँ ये माँ के अक्षर है यहाँ, है ना? तो मार्क्स का अक्षर को क्या लगाना है? बॉक्स, बॉक्स लगाना है इसको, है ना? और इसे माँ है, यहाँ भी माँ है ना, और यहाँ भी माँ है, और यहाँ भी माँ है, इसको क्या लगाना है? बॉक्स लगाना है। तो इसे हमें सर्किल लगाया है, देखो माँ के अक्षर को बॉक्स लगाना है, तो माँ आके मात्र, ठीक है? तो इस पोएम में दिया गया है गीत को आके मात्र और माँ का अक्षर भी लिखाना है, इसी शब्द में यहाँ सर्किल और बॉक्स लगाना है। देखो, सा को आके मात्र है तो हम सर्किल लगाया है, और पा के पास क्या है? आके मात्र है, तो इसे भी गोल लगाइए, और माँ अक्षर है तो इसे बॉक्स लगाना है, इसे भी माँ अक्षर है बॉक्स लगाना है, माँ अक्षर है यहाँ भी बॉक्स लगाना है, इसको भी बॉक्स लगाना है, लगाना, ठीक है? और खेलो नहीं है, आपको आपका मतलब आपके पास है ना, आपकी मात्र, तो इसे क्या लगाना है? सर्किल, ठीक है? गोल लगाना है आपके मात्र, ठीक है? और माँ, माँ है ना, माँ को लगाना है क्या? लगाना है बॉक्स, बॉक्स लगाना है, ठीक है? और हम, माँ, बॉक्स लगाना है, ठीक है? और मैं को नहीं है, मैं को भी अक्षर को लगाना है बॉक्स। और यहाँ ता के पास आ की मात्रा है, आ की मात्रा को सर्किल लगाना है, ठीक है? इसे घर घर कुछ नहीं है, आ की मात्रा नहीं है, या माँ की अक्षर भी नहीं है, माँ के अक्षर नहीं है और आ की मात्र भी नहीं है। तो मोर, माँ है ना, माँ अक्षर, माँ अक्षर को ही बॉक्स लगाना है,
नाचता, नाच को गोल लगाना है, आ की मात्र, ता की मात्र, इसे भी गोल लगाना है, ठीक है। और चमचम, माँ को बॉक्स लगाना है, इसे भी बॉक्स लगाना है, और इसे भी बॉक्स लगाना है, ठीक है। तो ये यहाँ आपको एग्जाम में गीत में आ की मात्र को गोल लगाइए और गीत में आए माँ को अक्षर को बॉक्स लगाइए, ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा लिखना है, ठीक है। तो और मैं को भी बॉक्स लगाना है ना, और बोला, बोला को आ की मात्र इसे लगाना है, क्या लगाना है, गोल लगाना है, और टर टर को नहीं है, आ की मात्र नहीं है और माँ का अक्षर भी नहीं है। तो लगा ता, ता को आ की मात्र है ना, आ की मात्र को गोल लगाइए, और नहीं नहीं है, मुझे अब डर नहीं है, मुझे माँ को बॉक्स लगाना है। भर गए सारे, सा को गोल लगाना है, इसे भी गोल लगाना है, आ की मात्र है ना तो इसे भी गोल लगाना है, और तलैया को भी नहीं है। नेक्स्ट या को भी आ की मात्र है ना, या इसे भी गोल लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट नाच है, नाच को आ की मात्र है तो इसे भी गोल लगाना है। तो रहे मिल, मिल को भी बॉक्स लगाना है, ता को बॉक्स गोल लगाना है, इसे भी गोल लगाना है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया, तो आ की मात्र है तो शब्द को, आ की मात्र है तो शब्द को गोल लगाना है, और माँ अक्षर वर्ड अक्षर अक्षर दिया, लेटर माँ का लेटर दिया गया अक्षर पर बॉक्स लगाना है। तो आपको ये समझ में आ गया, गीत में जो बॉक्स है और इसको सर्किल और बॉक्स लगाना है, कौन से अक्षर को, आ की मात्र के अक्षर को गोल लगाना है, और माँ के अक्षरों पर आ की मात्र के बॉक्स गोल गोल लगाना चाहिए, और माँ अक्षर को बॉक्स लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसे लिखने से आपको ग्रामर पार्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ये सब क्लास वर्क में लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपको समझ में आ गई। तो हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे, क्लास सी डब्ल्यू में लिखना है, मस्ट एंड शुड बी राइट इन सी डब्ल्यू, एंड आफ्टर दैट राइट इन होमवर्क, हिंदी होमवर्क राइट टू टाइम्स, इन हिंदी होमवर्क राइट, इन दिस वन राइट टू टाइम्स हिंदी होमवर्क, ओके। मस्ट एंड शुड बी रीड एंड राइट एंड डू प्रैक्टिस मोर हार्ड वर्क इन हिंदी, ओके। थैंक यू चिल्ड्रंस, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, ओके बाय चिल्ड्रंस, खुदा हाफिज़।